देखो। अच्छा है, कितना मिलेगा? ऐसा 50 राइफल मिलेगा। अरे 50 से हमारा क्या होगा बरखुरदार? हमको हुकूमत और फौज के साथ जंग लड़ने का है, कम से कम 10,000 राइफल चाहिए। इतना सप्लाई तो आखा देश में एक ही आदमी कर सकता है, माफिया किंग कावड़ा। कावड़ा, 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 कावड़ा। कितना माल का इंतजाम हुआ है? सिर्फ 10 किलो, महंगा भी है। महंगाई का नहीं, सप्लाई का बात करो। आई विल पे यू इन डॉलर्स, मगर कम से कम 200 किलो ब्राउन शुगर चाहिए। यूथ फेस्टिवल है, सारे देश का स्टूडेंट्स आने वाला है। इतना सारा माल तो सिर्फ एक ही आदमी सप्लाई कर सकता है, हम सबका बाप। कौन है वो? गावड़ा, 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 गावड़ा। ये 7वां वर्कर स्ट्राइक में मारा गया। मुझे लाशें नहीं, हल चाहिए, हल समझे? किसी भी कीमत पर गोदी की स्ट्राइक करो, मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सर 4 महीने हो गए, लाखों वर्कर्स हैं, लगता है ये स्ट्राइक इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। तो इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं जो इस स्ट्राइक को तोड़ सके? सर एक आदमी है जो इस स्ट्राइक तोड़ सकता है। कौन है वो? गावड़ा। आज सारा शहर खुशियां मना रहा, लेकिन मेरा इकलौता बेटा जेल में, और इसी गम में मेरी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी हुई। क्या कर रहे हैं आप लोग? देश के इतने बड़े बड़े वकील और मेरे बेटे की जमानत तक नहीं करवा सकते? आपका बेटा आज ही बाहर आ सकता है। कौन निकालेगा उसे? कावड़ा। ब्रदर कावड़ा, आपका बदौलत हमको हमारा सब हथियार मिल गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौड़ा साहब, जॉन्टी दल्ले ने इन्हें ड्रग्स का कंसाइनमेंट पहुंचा दिया है और हमें पैसे भी मिल गए हैं। और आप ही की वजह से हमारी स्ट्राइक टूटी गौड़ा साहब। मिस्टर गौड़ा, आपकी मेहरबानी से मेरा बेटा बेल पर छूट गया, अब केस तो बरसों तक चलता रहेगा। अरे सारी दुनिया जानती है हमारे गौड़ा साहब फरिश्ता है, फरिश्ता। गौड़ा मुसा, अब तक जिंदा हो? ए! उस्ताद कहने में शर्म आती है नमक हराम। उस्ताद कहने से तेरी औकात नहीं बढ़ जाएगी मुसा, तू गुजरा हुआ कल है और गावड़ा आज है। एक आने वाला कल भी है गावड़ा, उसे मत भूल, तेरी तबाही बनकर आएगा वो कल। मैं तो तुझे मर्द समझता था मुसा, तू तो औरतों की तरह कोसने लगा। ये वक्त मेरा है और आज हुकूमत भी मेरी है। ए गंदी नाली के कीड़े, मैंने तेरे को एक वफादार कुत्ता समझकर पाला था, मेरे को क्या मालूम था कि तू एक जहरीला सांप निकलेगा। इस देश के नौजवानों को नशे के दलदल में ढकेल रहा है, आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, इस देश के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिला रहा है। ये धरती हमारी माँ है, इसकी भड़वागिरी मत कर। किसी रंडी की भड़वागिरी करेगा ना मूसा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इस माँ के टुकड़े करने जाएगा ना तो मैं तेरे खानदान। नहीं छोड़े, ये मेरा गुरु है, बोल मूसा। गावड़ा, तूने हमारे धंधे के उसूलों को तोड़ा है, माफिया को बदनाम किया है, इस देश का नमक खाकर उसी से गद्दारी किया है। उस पाक परवरदिगार की कसम जो इस देश का दुश्मन वो मूसा का दुश्मन। मंजूर, इस दुश्मनी के आगाज की खुशी में गावड़ा तुझे तोहफा देगा, तेरी बेटी की लाश। रिश्ते तूने बदल दिए मूसा, दुश्मन से सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता होता है। जा मूसा, अगर बचा सकता है तो बचा ले अपनी बेटी को। Thank you.
सेंड डीसीपी बापट इमीडिएटली। आपने मुझे याद किया सर। आपने ये रिपोर्ट पढ़ी? ये पुलिस डिपार्टमेंट का क्लर्क लोग गवर्नमेंट का स्टेशनरी खराब करता है। ये सब तो डेली पेपर में पढ़ने को मिलता है सर। मैं अखबार की चटपटी खबरों की नहीं, डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूं। एक लड़की को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है देश में। हर चीज बढ़ रहा है सर, महंगाई, गरीबी, पॉपुलेशन, क्राइम भी बढ़ रहा है, क्या करेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कानून और पुलिस दोनों मजबूर हो चुके हैं। रखेल मजबूर होती है सर, जो उसे रखता है अपने इशारों पर नचाता है। Shut up! How dare you say that? मैं तुमसे उस लड़की के केस के बारे में पूछ रहा था। क्या हुआ उसका? इंक्वायरी चालू है, पता चलेगा तो बताएगा। अगर जल्दी पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं कर सकते। आपका नाम पवार जरूर है लेकिन आपके पास पावर नहीं है। पावर मंत्री लोग के पास है और मंत्री लोग का हाथ हमारा सर पर है। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। जाता है पर एक सलाह देता है, वर्दी पहनकर आईना नहीं देखने का, वर्दी भारी लगेगा। अरे सर्विस का एक साल बचा है पैसा कमाने का, नहीं तो बच्चा लोग आपको जलाकर शमशान से पुलिस क्वार्टर वापस आएगा ना तो सामान सड़क पर रखा मिलेगा, समझा। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। अरे भगत सिंह आओ। सर पापड़ साहब ने आपसे उस लड़की के बारे में कुछ कहा जिसे जला दिया गया? हाँ बहुत कुछ कहा, कानून को रखेल कहा, खामोश रहने का मशवरा दिया और अपनी पहुंच की धमकी दी। इन्हीं जैसे अफसरों की वजह से आज तक जनता पुलिस वालों को गंदे गंदे नामों से पुकारती है। और हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पीठ पर बहुत मजबूत हाथ हैं। आज जुर्म की रफ्तार घड़ी के इस बड़े कांटे की तरह तेज हो गई है और कानून की रफ्तार इस छोटे कांटे की तरह। जिस दिन कानून जुर्म से तेज चलेगा वक्त बदल जाएगा। ये गई जय, तू एक हफ्ते से इसे इसी तरह देख रहा है, तू इससे बात क्यों नहीं करता? अबे तू तो जानता है कि इसकी बेटी है, इससे बात करने, जान पहचान करने के लिए कोई लंबा नाटक फिट करना पड़ेगा, लेकिन इसे पटाऊंगा जरूर। सोते जागते बस इसी के सपने देखता हूं। लड़की ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना, उसका चेहरा इन आंखों में कैसे छुपाऊं छुपाना, ख्वाब मेरा वो मेरा करार है, मुझे तो उसका इंतजार। उसका चेहरा इन आंखों में कैसे छुपाऊं छुपाना, ख्वाब मेरा वो मेरा करार है, मुझे तो उसका इंतजार।
तरीका है जगाने का, मेरा इतना अच्छा सपना तोड़ दिया। तू सारी सारी रात गायब रह के करता क्या है? भैया आप तो जानते हैं मैं दुबई जाने का चक्कर चला रहा हूं। अब सुबह सुबह मूड खराब मत करो और आज का अखबार दो, देखता हूं दुबई जाने के लिए कोई ऐड है क्या। अंजाम से डरते तो आज भी हमारे पांव गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। अरे आजादी की लड़ाई के वक्त जिस माँ का एक बेटा होता था, वो माँ अपने कोख को कोसती थी कि देश पे कुर्बान होने के लिए उसने 10 बेटे क्यों नहीं पैदा किए। आचार्य जी, आजकल गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने वाले का साथ न पुलिस देती है न कानून। गावड़ा मुर्दाबाद, 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 गावड़ा। गावड़ा मुर्दाबाद। सुना है बद्दुआ से उम्र बढ़ती है, इसलिए शैतान की उम्र लंबी होती है। बुड्ढे मौत से डर, डर तो अब जिंदगी से लगता है क्योंकि वो तुझ जैसे गुंडे के साए में गुजर रही है। गावड़ा मुर्दाबाद, गावड़ा मुर्दाबाद, गावड़ा गावड़ा।
तुम में से किसी ने देखा हत्यारा कौन है? तुम कुछ बता सकते हो? नहीं साहब, जब मैं यहाँ आया तब खेल खत्म हो गया था, बुड्ढा मरेला था। यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा था, एक आजादी की सिपाही की हत्या हुई है यहाँ, और मरे हुए ये नहीं है, मरे हुए तुम सब लोग हो, चलती फिरती जिंदा लाशें हो, अंधे हो, गूंगे हो, कब तक यही मर मर कर जीते रहोगे? जागो, आवाज उठाओ, मेरा साथ दो, एक सबूत, एक गवाह मेरे हवाले कर दो, मैं तुम सबसे वादा करता हूं, गावड़ा को अपने घुटनों के बल चलकर यहां आने पर मजबूर कर दूंगा। नादान हो इंस्पेक्टर, इसीलिए बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। गावड़ा को कोई मजबूर नहीं कर सकता, तुम सड़क पर खड़े हुए भौंक रहे थे, हमने सुना, देखने चले आए। बोलो इंस्पेक्टर, कितना खाओगे? हमें वफादार कुत्ते पालने की आदत है, टुकड़ा मिलने के बाद भौंकना बंद कर देना। पुलिस स्टेशन में खड़े होकर एक पुलिस वाले को कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी सुअर? तुझे कानून ने ताकत, वर्दी ने जरूरत, और तेरे गर्म खून ने इतनी हिम्मत दी कि तू गावड़ा पर हाथ उठा बैठा, लेकिन हकीकत किसी ने नहीं बताई। मैं बताता हूं तुझको। हम माफिया इस पानी की तरह है, दोस्ती की मिठास मिला दें, अमृत बन जाएगा, दुश्मनी का जहर घोलेगा, जान ले लेगा। देखा गावड़ा, पानी मिट्टी में मिल गया। धरती गीली मत कर इंस्पेक्टर, चिता सूखी जमीन पर जलाई जाती है। तुझे चिता नसीब कहां होगी गावड़ा? जिस दिन तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया, बीच सड़क पर कीदड़ की मौत मारकर जानवरों के सामने डाल दूंगा, यह भगत सिंह का वादा है। यही तो गलती कर दी तेरी मां ने, तेरा नाम भगत सिंह रख दिया। अरे इतिहास भूल गई? भगत सिंह जब भी इस देश में पैदा हुआ है शहीद हुआ है, तू भी शहीद होगा। ये गावड़ा का वादा है। इंस्पेक्टर, माफी अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, भूल से भी ये बात भूल मत जाना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। अन्ना, गीता का फोन आया था, वो इंस्पेक्टर भगत को आपसे मिलाना चाहती है। गीता, तुम मुझे यहाँ किससे मिलवाने लाई हो? अन्ना से। अन्ना? पर अन्ना? हाँ। ये वही मर्द मराठा है ना, जो माफिया से अपना रिश्ता तोड़ चुका है, कभी एक जगह नहीं मिलता। इंस्पेक्टर भगत सिंह, सुना तुम बहुत ईमानदार आदमी है, हंसी आ गया सुनकर, पन विश्वास हो गया, क्योंकि गीता कभी झूठ नहीं बोलती। गीता बता रही थी आप पुलिस की मदद करना चाहते हैं। समझ में आ गया हमको, ये अंडरवर्ल्ड अच्छी चीज नहीं है मालाबग, हम तो खुद फील्ड में था इतने बरस, छोटा भाई मारा गया, साथी मारे गए, बीवी छोड़ के चली गई, काय को नहीं छोड़ेगा,
गुंडा लोग के साथ में बाल बच्चे का क्या फ्यूचर? अंडरवर्ल्ड का धंधे में 35 साल का लिमिट, उसके बाद कोई नहीं जीता, दी एंड। या तो पुलिस का गोली या गैंग वॉर में मार दिया जाता है। हमको देखो, वो गावड़ा साला कुतड़ा हमारा टांग तोड़ दिया। अरे कौन सा धंधे में साथी साथी को मारता है? कभी सुना डॉक्टर डॉक्टर का खून कर दिया? ए इंस्पेक्टर, तुम ये देश का नौजवान लोग को बताओ, समझाओ उनको, ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता अच्छा नहीं है। और ये पेपर वाला को बोलो, अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा बड़ा न्यूज छाप के गुंडा लोग को हीरो मत बनाओ। तुम खत्म करो इस माफिया को, इंफॉर्मेशन मी देना सब मदद करेगा। हम बताएगा तुमको, मूसा उस्ताद का छोकरी को किसने जलाया? अन्ना, कौन है वो? मदन कौआ। किधर मिलेगा? बताता है। मदन कौवे, अब तेरा घोंसला जेल में बनेगा। केस फाइल बंद करके मदन कौए के लिए हवालात का दरवाजा खोल दो। हो जाएगा गावड़ा साहब, मैं इस एरिया का इंचार्ज हूं, केस फाइल बंद हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं सर? इतने मुश्किल से तो इस केस की एक कड़ी हाथ लगी है, और आप कह रहे हैं कि मदन की हथकड़ी खोलकर ये केस फाइल ही बंद कर दूं? इंस्पेक्टर, ये अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना छोड़ दो, ले डूबेगा ये एंग्री यंग मैन का स्टाइल। भारी पड़ेगा तुमको माफिया से टकराना। ये केस फाइल बंद कर दो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं तुमको। ठीक है सर, मैं ये केस फाइल बंद कर देता हूं। गुड। ये क्या है? आप मुझे केस फाइल बंद करने का ऑर्डर दे रहे हैं ना, लिख कर दीजिए, गिव इट टू मी इन राइटिंग। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग ठीक है सर, इसीलिए अपने बाप को बाप कहता हूं। आपकी तरह गावड़ा को पाप कहकर अपनी मां को गाली नहीं देता। अरे वाह इंस्पेक्टर, तू आप उनको कितना भी टॉर्चर कर ले, अब उन तेरे को गावड़ा के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। अरे गावड़ा तो इस शहर में राज करता है, राज। कव्वे, हम पुलिस वालों के हाथ चंद बेईमान नेताओं ने बांध रखे हैं, वरना गावड़ा जैसे भड़वे को तो पुलिस एक ही दिन में ठीक कर दे। तूने पुलिस वालों को हिजड़ा कहा ना? अरे तेरे जैसे मर्दों के लिए हमारी डिपार्टमेंट की औरतें ही काफी है। रजिया, दुर्गा, मैरी, इसे इतना मारो कि ये गावड़ा की बचपन से लेकर अब तक की जन्म कुंडली तोते की तरह बोलते हैं। इंस्पेक्टर, मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर मुझे बचा लो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं इंस्पेक्टर। हाँ हाँ मिल। यह है तेरी गिरफ्तारी का वारंट। आए गावड़ा, अपने बेटी की तरफ देख, कितना सहमा हुआ है, तेरा खून नहीं देख पाएगा ये। नहीं इंस्पेक्टर, भाई को हाथ मत लगाना। इसे भी ले चलो। ये इंस्पेक्टर, ये मजाक करने से कोई फायदा नहीं है, जा जाके पहले ठोस सबूत लेकर आ, समझा ना? ये वारंट फारंट से कुछ फायदा नहीं है। सुनो इंस्पेक्टर, मामला यही दबा दो, मुंह मांगी रकम दूंगा, जितनी गिनती आती है
गिन ले। सिर्फ 3 तक गिनती आती है। अगर पूरी होने तक नहीं चला तो जूते मारते हुए ले जाऊंगा। देख, दो, तू नहीं जानता इंस्पेक्टर तू क्या कर रहा है। एक पुलिस वाले को कुत्ता कहने वाले के गले में कानून का पट्टा डाल रहा हूं। सर मंत्री जी आए हैं। कौन है इंस्पेक्टर भगत सिंह जी? मैं। तुमने गावड़ा और उसके भाई को गिरफ्तार किया है? यस सर। वेरी गुड, तुमने जो हिम्मत दिखाई है काबिले तारीफ है। मैं दौरे पर जा रहा था लेकिन जैसे ही तुम्हारे कारनामे की खबर सुनी इधर चला आया। मुबारकबाद देने। काश हमारे सारे नेता आप ही की तरह होते। नमस्कार मंत्री महोदय। इंस्पेक्टर ये मेरे क्लाइंट मिस्टर गावड़ा और उनके भाई के बेल ऑर्डर्स हैं। अपराधी हवालात की दीवारें ठीक से देख नहीं पाते, हमारी अदालतें उनकी जमानत मंजूर कर लेती हैं। ऑफिसर हमें अदालत के फैसले का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। छोड़ दो इन्हें। डोंट बी डिजेक्टेड माई बॉय, गवाह और सबूत तो तुम्हारे पास है ही। अदालत में उन्हें पेश करके गावड़ा को फिर गिरफ्तार कर लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं, जब कभी किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक चले आना। आई रिस्पेक्ट ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स। गवाही देगा है? आज तेरी वजह से मुझे लॉकअप में रहना पड़ा। अब समझा कसूर किसका है? कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरी इस जबान का है। अरे भगवान ने तुझे कितनी लंबी जबान दी है रे। हाँ हेलो, क्या मदन कवे ने आत्महत्या कर ली? क्या इंस्पेक्टर बहुत स्पीड में जा रहा है पन किधर? मदन कवे का लाश देख रहे हैं पर वो तो अपन के पास में है इस एम्बुलेंस में। गौड़ा साहब ने उसको पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट भी दिला दिया है। बस अभी आग लगाने को बाकी है। चलता है शमशान आग लगाने को। आराम जादे। भैया कब आए? भैया बस अभी आ रहा हूं। कैसे तू? मैं ठीक हूं भैया। पर ये क्या, पुलिस वाले हमेशा डांटते डपटते रहते हैं, ये बेचारे मैयत लेकर जा रहे हैं, इनके दुख सुख में शरीक होना हमारा फर्ज बनता है। चलिए भाई साहब हम चलेंगे आपके साथ। नहीं भैया आप इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया आप नहीं जानते ये लोग है कौन। जो भी हो ऊपर वाला मरने वाले की आत्मा को शांति बख्शे। कल्याण जी तुझसे मैं फिर मिलूंगा। सरकार फोन करवा देना, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अब गुस्सा थूक रहे यार, ये बताओ छोटा कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? नाटक कर रहा है भैया, सिर्फ नाटक। सहारा ढूंढ रहा हूँ, अंधा हूँ ना। ओह, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये लीजिए।
मैडम, फौज में देश की सेवा करते हुए मैंने अपनी आंखें खो दी और देश वालों को देखिए, मेडल की जगह मुझे ठोकरे मार रहे हैं। आप फौज में थे? हम फौज में थे और हमारे देशवासी मौज में थे। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं मिस्टर जय? किरण। हेलो मिस किरण। हाय। मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। वो अगले मोड़ पर आपको ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना? हाँ हाँ। आप देख सकती हैं। काश मैं भी देख पाता, बस वही मेरा डॉक्टर रहता है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। आपसे मिलकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। देखिए, आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मेरे घर आ जाइएगा। किसी से भी पूछ लीजिए, सामने प्लॉट नंबर 14। आप जैसे बहादुर फौजी की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ओए जय, तू यहाँ खड़े खड़े रेलवे गार्ड की तरह हाथ क्या हिला रहा है? जल्दी घर जा, सरहद से तेरे बड़े भाई आए हैं। क्या हो गया इस मुल्क को, हर आदमी सहमा सहमा लगता है। भगत, ये माफिया है क्या? इटली की कोख से जन्मा ये हरामी बच्चा रेंगते रेंगते हमारे देश तक पहुंचा और अब तो इसकी जड़ें यहां बहुत मजबूत हो चुकी हैं। एक पुलिस ऑफिसर की जबान से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या करती क्या है तुम्हारी पुलिस? चीखती है, चिल्लाती है, अखबारों में अपना बयान देती है, क्योंकि माफिया के सर पर चंद बेईमान नेताओं के हाथ है जिनके सामने पुलिस, कानून, समाज सब बेबस है। भगत, जनता को अभी भी इस खाकी वर्दी पर बहुत विश्वास है। अगर पुलिस भी माफिया के सामने घुटने टेक देगी तो क्या होगा बेचारी जनता का? पुलिस कर भी क्या सकती है भैया, महंगाई के इस दौर में एक पुलिस वाले की तनख्वाह होती ही क्या है, इसलिए कभी कभी मजबूरी और जरूरतों के सामने उसकी ईमानदारी बिक जाती है। एक बात बोलूं भगत, जिस दिन तुम पुलिस वालों ने हम फौजियों की तरह अपनी वर्दी की आन बान को समझ लिया, ये माफिया दम दबा के भाग जाएगा यहाँ से। सच कहा भैया, इसलिए मैं भी यही सोच रहा हूँ कि देश छोड़कर दुबई चला जाऊं। कैसा है रे? जीत रहा। इसकी सुनो भैया, इसे इस देश में नौकरी नहीं मिलती, अब ये दुबई जाएगा। दुबई क्यों रे छोटे, अपने देश से प्यार नहीं? प्यार है भैया, बहुत प्यार है, लेकिन मैं भी अपने देश की मजबूरी समझता हूँ। अरे कितने कितने बेकारों को काम देगा हमारा ये भीड़ भरा देश, और फिर मेरे तो दो दो भाई इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मैं दुबई जाकर ढेर सारी दौलत कमाना चाहता हूँ, आप लोगों पर दौलत की बारिश करना चाहता हूँ। मेम साहब, क्या है ताई? कोई जय साहब आपसे मिलने आए हैं। जय? ओ दैट ब्लाइंड मैन, उसे अंदर भेज दो। अंदर? लेकिन मेम साहब, आप तो नहा रही हैं। अरे ताई, वो अंधा है बेचारा, देख नहीं सकता। साहब, मेम साहब ने अंदर बुलाया है। किरण जी। हाय जय, कैसे हो? मैं एकदम ठीक। जानती हूँ, कहोगे वही अंधेरी जिंदगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कहना था। आज कुछ मत कहो, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँची तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम नहीं जानते जय, पुलिस की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, तुम तो समझते हो ना? हाँ। वैसे जय, तुम भी तो फौज में थे, तुम्हें तो डिसिप्लिन मालूम ही होगा। मैं भी डैडी की तरह एक नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मगर जय, ये फूल और मिठाई किस लिए है? देखो, मैं आज मिठाई नहीं खाऊंगी, मैं मिठाई उस दिन खाऊंगी जिस दिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम पूरी तरह देख सकोगे। तो फिर खाओ ना मिठाई, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, अब मैं देख सकता हूँ। क्या तुम देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल साफ साफ। इसका मतलब तुमने मुझे? बिल्कुल साफ साफ। You cheat! अरे भाग रहा है, मैं तुझे नहीं छोडूंगी। मालकिन मालकिन मालकिन, क्या हुआ क्या हुआ, क्या किया जय बाबू ने? कोई जूता उता चुराया है क्या? नहीं हरिया, उसने मुझे कहा तुझे? उस अंधे ने मुझे बताया नहीं कि उसकी आंखें आ गई हैं। कौन अंधा? यही अपना जय, पहले अंधा था ना। क्या बात कर रहे हो मालकिन, इस ससुरा तो बचपन से ही चिमगादड़ की तरह अमावस की रात में दे सके है। क्या? डैडी डैडी, आप अपना रिवॉल्वर मुझे दीजिए। आई वॉन्ट टू शूट हिम। आज किसे शूट करना चाहती हो?
क्या हुआ? डैडी उसने मुझे, आप अपना रिवॉल्वर मुझे देंगे या नहीं? किरण बेटे, आप एक पुलिस ऑफिसर बनने वाली हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरकारी रिवॉल्वर आपको नहीं मिल सकता। तो 10-20 पुलिस वाले तो मिल सकते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। ओ भगत सिंह, जरा जाकर देखो आज मैडम की क्या प्रॉब्लम है। यस सर, चलिए। बस मैं अंदर चला गया किरण के कमरे में, वो नहाकर बाहर निकली। अरे भैया, ये बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह छोड़ा, ये बतावा आगे का का देखा? अरे ये पूछ क्या क्या नहीं देखा। अरे भाग, अरे भाग, भागा, वो भाग रहा है, अरेस्ट हिम। जाने दीजिए उसे, वो गुंडा नहीं है, उसने जो कुछ भी किया होगा सिर्फ शरारत की होगी। आप जानते हैं उसे? जी हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। क्या? लेकिन आप ये मत समझिए कि वो मेरा छोटा भाई है इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसे सजा जरूर दूंगा। अरे बस कर जय, बस कर, कितना खाना खाएगा? अरे यार विनोद, 4 दिन का खाना खा लेने दे, मेरा भाई है ना पुलिस वाला, बड़ा जालिम है, मेरे घर जाते ही कहेगा खबरदार जो इसे किसी ने खाना दिया। 4 दिन तक भूखा रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा, सारी मस्ती भूल जाएगा तू। ए भगत, इतना क्यों डांट रहा है बेचारे को? आप तो चले जाते हैं बॉर्डर पर और सब कुछ भुगतना मुझे पड़ता है, तू यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है? चल जा अपने कमरे में। गुड नाइट बड़े भैया, गुड नाइट बगू भैया। गुड नाइट। अच्छा हुआ 2 दिन का खाना एक साथ में खा लिया, अब चैन की नींद सो पाऊंगा। छोटे भैया, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, ये ले खाना खा ले। खाना नहीं खाऊंगा। वो अपना भड़कू भगत बाहर गया है, उसके आने से पहले खाना खा ले। नहीं भैया, खाना नहीं खाऊंगा मैं। तो भगत की डांट का बुरा मान गया? डांट तो मुझे भी लेता है, पुलिस वाला है ना, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, ले खा ले। नहीं भैया, मैं नहीं खाऊंगा। देख खाना खा ले, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा भैया। तुझे मेरी कसम, खाना खाना ही पड़ेगा, भूखा कैसे सोएगा, मैं तुझे भूखा रहने दूंगा। खा ले, खा जाओ, खा जाओ, शाबाश। कौन है भाई? मैं हूं, मैं तेरे लिए खाना लाया हूं। नहीं भैया प्लीज, खाना नहीं। नाराज है मुझसे? वाह मेरे भाई, खाना खिला के मार दिया रे। जय। कौन है भाई? मैं हूँ विनोद। खाना तो नहीं लाया ना? नहीं, चंपारण की बुढ़िया की चटपटी चूरन की गोली लाया हूँ। अरे बंदूक की गोली के अलावा और कुछ भी अंदर नहीं जा सकता रे। तू सिर्फ मुंह खोल। बेडरूम में तुझे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो बहुत आया, पर सच कहूं अच्छा भी लगा। वैसे जय है बहुत डेयरिंग, नाटक करके सीधा मेरे घर में घुसाया, वरना आजकल के लड़के कितने बुजदिल होते हैं, जवानी में प्यार करते हैं और बुढ़ापे तक आई लव यू नहीं कह सकते। अरे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, देख मैं किरण से बात नहीं कर पाऊंगा। अरे मजाक तक ठीक था, देखो कमिश्नर की बेटी है, प्यार की बात करूंगा तो सीधे गोली मार देगी यार। जय बाबू हिम्मत करा, देखा बाबू वो पुलिस ट्रेनिंग पर जाते हैं, बाद में मौका नहीं मिलेगा, वो देखा वो आता है। अरे बाप रे। अच्छा आप अगर वो सामने आया तो तू क्या करेगी? करना क्या है, सामने आया तो सीधा सीधा बोल दूंगी। जय मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू जय।
सच? तुम? तुम्हारे दिल का हाल सुन रहा था। एक बार फिर कहो ना, आई लव यू। भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मत सुनना भैया, इनके पास मेरी शिकायत के सिवाय और कुछ नहीं होता। जय, क्या तेरे और भैया के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता? क्या मैं कभी कभी भी अपनी बात नहीं कर सकता? भैया भैया, मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूं। अच्छा किया, मेरी मुश्किल आसान हो गई, वरना तुम्हारी पसंद की लड़की मैं कहां ढूंढता। यह रही उसकी तस्वीर। नहीं भगत भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कसम से। भैया कल आपके 100 रुपए घूमे थे ना? वो घूमे नहीं थे, मैंने चुराए थे, इसी किरण को पिक्चर ले गया था। और ये देखिए, ये सारे लव लेटर्स किरण ने मुझे लिखे हैं। देखा भैया आपने, कितनी बेशर्मी से आपके सामने अपनी लव स्टोरी सुना रहा है। अगर यही बात इससे मैं प्यार से पूछता तो ये नालायक कभी नहीं बताता। क्यों रे, कौन है ये लड़की? कमिश्नर साहब की बेटी है भैया, बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही जल्द इंस्पेक्टर भी बनने वाली है। मगर जय, तूने कभी सोचा है कि कमिश्नर साहब हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा भाई करता क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? कि हमारा भाई सिर्फ सपने देखता है, विदेश जाना चाहता है, काम कोई नहीं करता। जय, तू कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेता? अगर तेरा घर बसेगा, तू तरक्की करेगा, तू बड़ा आदमी बनेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। ठीक है, आज से मैं सपने देखना छोड़ दूंगा, विदेश भी नहीं जाना है मुझे, यही काम करूंगा अपने देश में। आपकी कसम, अब तो मुस्कुरा दो। गीता, अन्ना ने भगत सिंह के लिए खास इंफॉर्मेशन भेजी है। मगर कहां से मिली तुम्हें ये इंफॉर्मेशन? हमारे अपने रास्ते हैं इंस्पेक्टर, कल अलीबाग से गावड़ा का माल निकलेगा, उसमें ड्रग्स और एम्युनिशंस होंगे। मैं प्रजा स्वामी बोल रहा हूँ। सर मैं सब इंस्पेक्टर भगत सिंह बोल रहा हूँ।
हाँ बोलो। सर मैंने गावड़ा के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सर? उसके पास काफी नाजायज माल, ड्रग्स और विदेशी हथियार हैं। सर कमिश्नर साहब दिल्ली गए हैं, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। तुम इस वक्त कहाँ हो? अलीबाग सर। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू सर। भगत अभी तक नहीं है, उसे घर पहुंचना चाहिए। तो उसे मालूम है आज जा रहा हूँ। भैया वो किसी सरकारी काम में फंस गए होंगे, वरना जरूर आते। मेरी तरफ से प्यार देना और कहना मुझे खत लिखे। और देख उसे तंग मत करना, तो उसकी फिरकी बहुत लेता है। दोनों भाई प्यार से रहना। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिएगा। वेल डन भगत सिंह, वेल डन। गावड़ा, तुम्हारा मुजरिम। कुत्ते, तू भी खाते में लिपता हुआ माफिया का भड़वा निकला। कैसा नादान है रे तू, मुझ पर विश्वास कर लिया? थू, थू, थू। डॉक्टर साहब क्या बात है? मेरे भाई को देखिए, बहुत खून बह रहा है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये गुजर चुका है। नहीं, इसका हाथ गर्म है डॉक्टर, इसका हाथ देखो, ये जिंदा है डॉक्टर। मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। आई एम सॉरी सोल्जर, मैं पुलिस को खबर करता हूं। भगत मुझे लग रहा है मैं लुट गया, मुझसे पहले चला गया तू। मैं चाहे उस घर में तेरे बगैर कैसे रहेंगे बगैर तेरे। मेरे भगत, अरे तूने क्या किया रे, क्या किया रे मेरे बेटे, तूने क्या किया? अजित सिंह, मेरे को लगता है ये कातिलों की दर नहीं है। ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं पुलिस वाले का मर्डर भारी पड़ेगा, छोड़ गए होंगे इस शहर को। साहब जी, आपकी तलाश खत्म हो सकती है, लेकिन मैं उसे मरते दम तक तलाश करूंगा। जरूर करने का, हम भी करेंगे। तुमको मिले हमको बताना, अब तुम जा सकते हो। रुकना जरा, हाँ
साहब, छोड़ दे इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। ये मेरे भाई का कातिल है सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, उसे पकड़ लो सर, वो भाग जाएगा, वो भाग गया सर, मेरे भाई का कातिल भाग गया, आपने उसे जाने दिया। क्या नाटक कर रहा है तू, नाटक क्या कर रहा है तू, पूरा ट्रैफिक जाम है और तू नाटक कर रहा है इधर। मेरे भाई का कातिल भाग निकला, मेरा कलेजा फट रहा है और तू इसे नाटक कहता है। बकवास बंद कर, मुझे तो लगता है तू भी इसके साथ मिला हुआ है। हट निकल। बहुत अच्छा किया फौजी तूने, भरे मार्केट में पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया। अब मैं तुझे दिखाता हूं बापट क्या चीज है। पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाएगा फौजी, ये तेरा बॉर्डर नहीं अपना एरिया है। ये लहू जो टपक रहा है ये मेरे छोटे भाई भगत सिंह का लहू है, हिंदुस्तानी पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर का लहू है। इस लहू की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा। डर गया बापट है? अरे तोड़ सकता है तो तोड़ ले, अजीत सिंह झुकेगा नहीं। क्या हो रहा है ये बापट? ये अपने जुल्म और मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहा है। बापट, कोई कानून तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम किसी इंसान को जानवर की तरह पीटो। तो फिर क्या करेगा है? मार्केट के अंदर हाथ उठाया इसने मेरे ऊपर, क्या आरती उतारेगा इसका? जस्ट लीव हिम। ठीक है सर, आप बोला अपन ने छोड़ दिया इसको, कल इसको अदालत में ले जाएगा, वहां आपका नहीं सबूत का अथॉरिटी चलता है, लंबा बुक कराएगा, इसको छोड़ेगा नहीं। जय हिंद। बोलो मेजर, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? हमारा एक जवान आपकी कस्टडी में है। कौन? वाजिद सिंह। संभाल कर रखना चाहिए ना सांड को, खुला क्यों छोड़ देते आप लोग? माइंड योर लैंग्वेज ऑफिसर। देखो ऑफिसर, अजीत सिंह को हमारे हवाले कर दो, हमारी यूनिट में कंप्लेंट करो, हम उस पर एक्शन लेंगे। मेजर साहब, अजीत सिंह पर एक्शन रिएक्शन सब यही होगा। उसने मार्केट में मुझ पर असॉल्ट किया, उस वक्त ना तो वो वर्दी में था ना ड्यूटी पर, और मैं वर्दी में भी था और ड्यूटी पर भी। फौजी को नहीं छोड़ेगा। बापट साहब, अजीत सिंह एक फौजी है, जंग लड़ना उसका फर्ज है और देश की रक्षा करना उसका धर्म। अगर उसके साथ कोई भी नाइंसाफी हुई तो मिटा देगा तुम सबको, खत्म कर देगा पाप को। मेरी इस बात को याद रखना। फौजी कहाँ है? अंदर है। अजीत सिंह, ये गौड़ा साहब हैं, नाम सुना ही होगा। इनके बारे में एक बात कही जाती है, जो जीना नहीं चाहता वही इनकी बात मानने से इनकार करता है। तू भी हमारी बात मान ले फौजी, अपने भाई की मौत को भूल जा। तेरे भाई को बहुत समझाया था, नहीं माना। महटाला साले को। एक बात याद रख फौजी, माफिया से टकराने का ख्याल छोड़ दे। तू हमें भूल जा, हम तेरे खानदान को भूल जाएंगे। नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। गुस्सा आ गया? ए ए फौजी, तू मारेगा? आजा आजा, मार मार ले, मार मार, आजा आजा, आ आ मार ले ले। अरे पकड़ो इसे, मारो मारो।
कातिल हो तो नहीं छोड़ूंगा। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अजीत सिंह ने एक पुलिस अफसर पर कातिलाना हमला किया और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों पर हमला करके एक संगीन जुर्म किया है। लेकिन अजीत सिंह की भावना का विचार करते हुए ये अदालत अजीत सिंह को 6 महीने की कैद की सजा सुनाती है। चोटे भैया, ये क्या हो गया? छोटे, तू रो रहा है रे? इन आंसुओं को नफरत की भट्टी में जलाकर लावा बना ले, औलाद बना ले खुद को, और मेरा इंतजार कर। हम दोनों मिलकर माफिया की जड़ों को तेजाब बनकर जला डालेंगे। मेरी बात को ध्यान में रखना। गुस्सा बहुत बुरी चीज होती है। गुस्से में तो चूहा भी बिल्ली को चैलेंज करता है, अनाड़ी होता है ना। जा। अरे जाना। हट जाओ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बापेट, मैं वापस आऊंगा। आई वेलकम बैक बापेट। मुझे अपनी जेल में अनुशासन चाहिए, इसलिए 6 महीने तक ये भूल जाओ कि इस 4 दीवारी के बाहर भी कोई दुनिया है। मैं फौजी अजीत सिंह आपसे वादा करता हूं कि अपनी इस 6 महीने की सजा के दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। जेल के बाहर खड़े होकर इस तरह जेल को देखने से वक्त तेजी से नहीं बीत जाएगा। कौन हो तुम? एक दोस्त, नाम गीता, आओ हमारे साथ। हम सबका एक ही दुश्मन है, गावड़ा। लेकिन गीता की गावड़ा से क्या दुश्मनी? इस शहर में मेरे डैडी के पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वो एक स्कूल बनाना चाहते थे। गावड़ा को जमीन चाहिए थी, डैडी ने बेचने से इनकार कर दिया। मुझे आज भी वो रात याद है जब गावड़ा खवाए एलजी। अन्ना ने मुझे सहारा दिया, मैं होटल में नौकरी करने लगी। माफिया के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अन्ना और मैं पुलिस को दे देते हैं। इसका मतलब है भगत भैया को? वो इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी, मुझे उस बात का आज भी अफसोस है। अगर वो इन्फॉर्मेशन मैंने उन्हें ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा होते। मैं भगत भैया के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं, माफिया बहुत ताकतवर है और तुम अकेला बहुत कमजोर। इंतजार करो उस दिन का जब तुम्हारा भाई अजीत सिंह जेल से छूटेगा। फौजी जेल से रिहा हो गया। अजीत सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानून तुम्हारी पूरी तरह मदद करेगा। वो कानून जो कभी गुंडों की जेब में तो कभी नेताओं के कदमों में मजबूर पड़ा रहता है। कानून की तौहीन कर रहे हो तुम। कानून की तौहीन मैं नहीं कर रहा, कानून की तौहीन खुद कानून के रखवाले कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे भाई को आप वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मेरे भाई के कातिलों को फांसी के तख्ते तक तो पहुंचा सकते थे। क्या किया है आपने?
कानून बहुत कुछ कर सकता है अजीत सिंह, तुम भोले हो इसीलिए कानून को कमजोर समझ रहे हो। मैं भोला था मिस्टर साहब, और उस मासूम हिंदुस्तानी की तरह जो कानून और इंसाफ पर भरोसा करता है, लेकिन आज बहुत कुछ समझ में आ गया। एक फौजी होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि हमें बाहर के देशों से उतना खतरा नहीं जितना अपने देशवासियों से है। आजादी मिलने के बाद हुकूमत, अदालत, पुलिस, कानून, सब कुछ तो अपना है, फिर एक आम आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हर आदमी अपनी हिफाजत के लिए हथियार क्यों उठा रहा है? इसलिए कि उसका कानून पर से भरोसा उठ गया है। अब ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। पुलिस कमिश्नर होने के नाते इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक फौजी अपनी जंग जीतने के लिए जान की बाजी लगा देता है। मुझे अंदाजा है कि नफरत के लावे से तुम अपने दुश्मनों को जलाने की कोशिश करोगे, और वहां मैं एक हमदर्द नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से तुम्हें खड़ा मिलूंगा, और कानून भी तुम्हारा हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ठीक है सर, अब कानून सामने आ जाए या दुश्मन, ये जंग तो हर हाल में जीतनी है। यू समझ लीजिए कि फौजी अजीत सिंह के लिए सिर्फ सरहद बदली है। मेरा ही नाम गीता है। ओह, तो तुम हो गीता? जी। इसलिए आए हो? ये तस्वीर भी दीवार पर लगा दो, ये तुम्हारा चौथा शिकार है। ये जॉन्टी दल्ला है, माफिया के लिए लड़कियां सप्लाई करता है। हाईवे नंबर 7 के पेट्रोल पंप पर मिलेगा, लेकिन होशियार रहना, पेट्रोल पंप गावड़ा का है। हेलो, जॉन्टी दल्ला स्पीकिंग। गावरा साहब को बोल देना कि स्पेशल कंसाइनमेंट आ गया है। डिस्पैच देम टू यू बेबी। ब्यूटीफुल गर्ल्स, जॉन्टी स्पीकिंग। बाद में फोन करना, भी पूजा चल रही है, आज भाई के बाप का श्राद्ध है। किस बाप का श्राद्ध कर रहा है? उसे कहो उसका बाप जेल से आ गया है, बात करे मुझसे। भाई फौजी का फोन है, जल्दी बोल, मेरे पास वक्त कम है। धमाका सुना गौड़ा, तेरे चांटी दल्ले के साथ मैंने तेरा पेट्रोल पंप उड़ा दिया है। यो समझ लो, ये धमाका तुम्हारी तबाही का आगाज है।
है। चलो, गावड़ा साहब का ऑर्डर है, फौजी उसके भाई को उड़ाना है। फौजी और उसका भाई घर पे नहीं है। नहीं साहब, मैंने जय और फौजी को कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं मिल रहे हैं। आखिर ये दोनों गए कहां? गीता, हैरान होने की जरूरत नहीं, हमने ये कदम आप लोगों की हिफाजत के लिए उठाया है। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। कैसा कर सकता है? आंखें बंद करके आग में कूदेगा और बोलेगा कि तुम जलने से बच सकता है। तुम कौन हो? देखो, मीपन माफिया का दुश्मन है, इसी वास्ते बोलता है। एक भी गलत कदम उठाएगा, खलास, दी एंड, पब्लिक तमाशा देख के घर को चला जाएगा। पेड़ का पत्ता नोचेगा तो पेड़ नंगा हो जाएगा, सूखेगा नहीं, उसका वास्ते उसका जड़ काटने का। मैं माफिया का वो पेड़ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा जिसके साय के नीचे जुर्म नंगा नाच नाच रहा है। मिटा दूंगा गावड़ा को तो दूसरा गावड़ा पैदा हो जाएगा। माफिया किसी आदमी का नाम नहीं, ये एक संस्था है, एक सिस्टम। साला सिस्टम को ही खलास करने का, इसके हाथ, इसके हाथ, भ्रष्ट नेता, लालची बिल्डर्स, बेईमान पुलिस वाले, हथियारों का धंधा करने वाले। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इस माफिया का हाथ पांव काटने का। खाली दिमाग तो कभी भी कुछ ला जा सकता है। तुम्हारे पास ताकत है, जोश है, जिगरा है, मेरे पास इनके अड्डों के पते ठिकाने हैं। सबसे पहले इनके हथियारों के अड्डों को तबाह करने का।
Mama, 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 mafia. Hey, mama, 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 mafia. Mama, mama, mafia. Mama, 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 mafia. Mafia. फौजी को बाद में देख लेंगे, अभी चल यहां से, चल छोटे, चल चल। सर, सर सुना आपने शहर में कम्युनिकेशन सेंटर ब्लास्ट हो गया? हाँ सुना। सर हमारे शहर में इतने हथियार आते कहां से हैं? ज्योग्राफी पढ़ा है ना? ये देखो इंडिया का मैप, इतना सारा पानी है, इतना सारा, यहां से आता है हथियार, क्या करेगा? सारे समुद्र में तो फौज बिठा नहीं सकता ना। हम पुलिस वाले हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें ये सब रोकना चाहिए। हाँ जरूर रोकना, जरूर रोकना, लेकिन उससे पहले काम करना। ...1987 में ग्रांट रोड से एक स्कूटर चोरी हो गया था, उसका इंक्वायरी करो और मिले तो मुझे जरूर बताना। जाओ। मगर सर। रिलैक्स। खान करके एक इंस्पेक्टर था मेरा दोस्त, शेर बोलता था, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। Come on!
मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो अजीत सिंह, मुझे जिंदा रहना चाहता है, तुझे एक दिन जिंदा रख सकता हूं, अगर और जिंदा रहना चाहते हो तो वो गौड़ा है ना जिसके बारे में तुमने मुझसे आकर कहा था कि बहुत ताकतवर आदमी है, बड़ा रसूख है उसका, उसके पास जाओ, उससे कहो कि आज सारी ताकत हर रसूख का जोर लगा ले, अगर वो बचा सका तो ठीक है, वरना एक दिन के बाद तुम मार दिए जाओगे। गौड़ा के सारे काले धंधे तो मैंने बंद कर दिए और आज बेचारे का ये मटका डैन भी टूट गया, उसकी गुजर बसर कैसे होगी। हाँ, उसे कहना कि जब तक वो जिंदा है चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांग लिया करे, और भीख मांगने के लिए ये कटोरा उसे मेरी तरफ से दे देना। भगवान के नाम पे कुछ दो ना बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दो ना बाबा, कुछ तो दो ना बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दो ना बाबा, दो ना बाबा, कुछ तो दे दो ना बाबा, बड़ी भूख लगी है, दे दो ना बाबा, दे दो ना, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो बाबा, मुझे कुछ तो दे दो बाबा, दे दो बाबा, ये गावड़ा भीख मांग रहा है, दे दो बाबा, दे दो बाबा। गावड़ा भीख मांग रहा है, गावड़ा भीख मांगेगा, गावड़ा भीख मांगेगा, गावड़ा भीख मांगेगा, गावड़ा भीख मांग रहा है, गावड़ा भीख मांग रहा है प्रजा स्वामी, गावड़ा भीख मांग रहा है, कुछ दे 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 रहा। गावड़ा, जब तुम काम ऐसे करोगे तो भीख ही मांगोगे ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पुलिस वालों को खरीदो, तोड़ो मत, अगर तुमने उस पुलिस वाले की हत्या ना की होती तो आज ये कटोरा तुम्हारे हाथ में ना होता। तुझे किस लिए पाला मैंने? अरे आपस में झगड़ा छोड़ो और मेरे बारे में सोचो, 24 घंटे दिए सिर्फ, वो फौजी मुझे मार डालेगा, मैं तो इंडिया छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं कल्याण जी, अगर तुम इंडिया छोड़कर जाओगे तो लोग समझेंगे कि गावड़ा खत्म हो गया। अरे पर तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसका क्या, वो फौजी मुझे नहीं छोड़ेगा। एक काम करो बापट, कल तक कल्याण को पुलिस के लॉकअप में रखो, वहां फौजी इसको नहीं मार सकेगा। कितना टाइम इसको लॉकअप में रखेगा, 24 घंटे के बाद क्या फौजी इसको भूल जाएगा? थोड़ा दिन के लिए इसको इंडिया के बाहर भेज दो। बापट, मुझे गाली देने की आदत नहीं है, वरना आज तेरी मां को क्या कहता जानता है, ले जाए इसे लॉकअप में बंद कर। अरे अब काय का डर, अब तो सरकारी दवा दूं मैं, वैसे भी 5 घंटे गुजर गए यार। अच्छा चल ठीक, मैं बाद में फोन करता हूं। काले, गावड़ा कुछ भी कर ले, फौजी से छोड़ेगा नहीं, कल्याण जी मरेगा जरूर। हेलो मिड्डे, नहीं नहीं अभी तक कल्याण जी मरा नहीं, मरेगा तो पेपर में आ जाएगा, वेट करो, अभी 24 घंटे हुए तो नहीं। पापड़ साहब यहां सब ठीक है, पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, आगे मेरा पेशेंट रहता है, उसे देखना बहुत जरूरी है। आगे रास्ता बंद है। एक गुंडे की सिक्योरिटी के लिए आपने सारा रास्ता बंद कर दिया। हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। फौजी ने अब तक कल्याण जी पर हमला नहीं किया, लेकिन वो करेगा जरूर। उस फौजी का मैं वो हाल करूंगा कि माए ऐसे बच्चे झंडा बंद कर देंगी। माओ की नसबंदी बाद में करना, पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन संभालो। ए कहां जा रहा है? गावड़ा को हफ्ता देने, 24 घंटे रुक जाए ना, अगर कल्याण जी मर गया तो गावड़ा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे अब तक किसे देना है। देवा पापा चांद कर।
हेलो कल्याण जी मटका। क्यों कल्याण जी? हाँ? खाना पहुंच गया? हाँ पहुंच गया, सामने ही है। उस टिफिन में खाना नहीं, बॉम्ब है। क्या? अरे भागो, अरे इस टिफिन में बॉम्ब है, भागो, बचाओ बचाओ बॉम्ब बॉम्ब। फोन आया था, अंदर मेरे टिफिन में खाने की जगह बॉम्ब है। टिफिन में बॉम्ब? बेवकूफ, अरे तेरी हर चीज जेल के अंदर चेक होकर जाती है। अगर तेरे टिफिन में बॉम्ब होता तो वो लोग तुझे टेलीफोन पे खबरदार क्यों करते? मैम उनका मकसद तुझे मारना है। बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे तू जेल से बाहर जाएगा सीधा गोली मार देंगे। जान ले जा। पूरा एरिया सील कर दो, घर घर की तलाशी लो, वो लोग यहीं कहीं होंगे। यस सर। और तुम एक्सचेंज से पता लगाओ फोन कहां से आया था। ओके सर। तुम लोग वहां जाओ। कल्याण जी भाई। इधर हूं मैं, क्या है? घबराओ मत, फौजी पकड़ा गया है। क्या? पापड़ साबू से लेकर हेडक्वार्टर गए हैं और तुम्हें यहीं रुकने को बोला है। बच गया। अरे सुनो। यस सर। कल्याण जी के साथ कौन है? पता नहीं। पता नहीं? उसे अकेला कैसे छोड़ा तुमने? आओ मेरे साथ आओ। कल्याण जी, कल्याण जी फिक्र मत करो, फौजी जल्दी पकड़ा जाएगा। कल्याण जी। अरे ये तो मर गया, लगता है चाय में जहर था। कल्याण जी भाई मटके का खून, कल्याण जी भाई मटके का खून, कल्याण जी भाई मटके का खून, कल्याण जी भाई मटके का खून। जब से कल्याण जी मरा है मटका ही बंद। अरे जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहा। अरे अच्छा हुआ वो मर गया, नहीं तो सारी कमाई तू उस मटके में गवा देता था। अब कम से कम मेरे बच्चे पेट भर खाना तो खाएंगे। शुक्र है उस रब दा जो उस फौजी ने कल्याण नु मार दिता, समझे कि नहीं? राम राज्य आ गया, जनता निडर होकर घूम रही है और गुंडे लोग डर के मारे छुपे बैठे हैं। अरे ऐसा टाइम आएगा तुम लोगों के राज में, हाँ? मटका बंद, जुआ बंद, दारू बंद, इनकम तो बिल्कुल ही बंद। एक काम हो सकता है। तो करो वो काम, बताओ मत। कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी। फौजी और उसके भाई को आतंकवादी घोषित करवा देते हैं, हर पुलिस स्टेशन में उनके फोटो भिजवा कर देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर दे देते हैं। फिर साले बचकर कहां जाएंगे? कौन सा अपराध किया है उन लोगों ने? कहां आतंक फैलाया है? बस किसी को भी आतंकवादी कहा और गोली मार दी। इस तरह खून बहाकर कितने आतंकवादी पैदा करेंगे आप? स्पीच लंबा हो गया सर, मैं प्रपोजल दिया, आप रिजेक्ट किया, बात खलास। बिना सबूत के मेरे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल मत लाया करो। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप उड़ाना, मर्डर करना, ये अगर आतंकवाद नहीं है तो एक काम करने का सर, इस साल गांधी जयंती पर उन लोगों को भारत रत्न की उपाधि दे डालने का। Why not, sir? जो पेट्रोल पंप उड़ाया गया वहाँ लड़कियों का धंधा होता था, जो गोदाम उड़ाया गया वहाँ नकली पासपोर्ट और विदेशी हथियार मिले, और जो हत्या हुई वो एक नामी गुंडा था कल्याण जी भाई मटका, जो मटके का अड्डा चलाता था। सुन लिया बापट, मैं शूट एट साइट के ऑर्डर्स नहीं दूंगा। पर मैं तो उन्हें देखते ही पहले शूट करूंगा, फिर ऑर्डर बनाऊंगा। मुझे आता है अपना कांटा निकालना। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं होम मिनिस्ट्री को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, प्रेस को तुम्हारे कारनामों की खबर करूंगा। तुम बहुत बुरी तरह बदनाम हो जाओगे। जो मन में आए वो करने का। इच्छाओं पर कर्फ्यू नहीं लगता। खान करके एक इंस्पेक्टर था मेरा दोस्त, शेर बोलता था। चलो इसी बहाने कुछ लोग जान लेंगे, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। चलता हूं सर, जय हिंद। कमिश्नर मेरे को धमकी देता है, प्रेस के सामने नंगा करेगा। पहले उस कमिश्नर को नंगा करना पड़ेगा, उसकी वर्दी उतारने का बंदोबस्त करो। इतना आसान काम नहीं, बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाला इंसान है पवार, साला ईमानदार है। वर्दी नहीं उतार सकता तो उसका ट्रांसफर तो कर सकता है। हाँ तो जल्दी करवा, वरना वो फौजी हम सबका ट्रांसफर कर देगा। कैसे भी करके हमारे बापट को पवार की जगह कमिश्नर बनाओ, ताकि हम लोग
उस फौजी तक पहुंच सके। भाई खबर मिली है कि गीता को फौजी और उसके भाई के साथ देखा गया है। ऐसा जाएगा तुम बाहर, खुले में वो लोग शिकार कर लेगा तुम्हारा। उन नामर्दों में इतना दम होता तो मुझे फांसने के लिए वो गीता का सहारा नहीं लेते। मुझे फिक्र हो रही है गीता की। हमारी खातिर एक लड़की जान की बाजी लगा सकती है, तो उसे बचाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। मैं जाऊंगा अन्ना। फौजी गीता को बचा ले गया। जानता था हिंदुस्तानी फौजी है ना, गीता को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देगा। लेकिन बापट भी कम हरा में नहीं है। मैंने गीता के पर्स में बम रख दिया है। जैसे ही गीता पर्स खोलेगी, फौजी और गीता दोनों फिनिश। सुनिए, घर में मां अकेली है, मुझे फोन करके आना चाहिए, कहीं गावड़ा के आदमी वहां ना पहुंच गए। जरा मेरा पर्स देना। Thank you.
ये पेपर देख रहे हैं आप लोग, इस शहर में खुलेआम लोगों को बम से उड़ाया जा रहा है, आखिर आप लोग उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? पापट, ये एरिया तुम्हारे अंडर आता है ना? बराबर है सर, मगर हम तो कमिश्नर के अंडर आता है ना। हम साहब को बोला भी, इन्हें आतंकवादी घोषित करके शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए जाएं। सर, बिना सोचे समझे किसी को आतंकवादी कहकर गोली मार देना समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ढूंढने तक न जाने कितने बेगुनाह इन लोगों के पागलपन का शिकार हो जाएंगे। आप शूट एट साइट ऑर्डर्स पर दस्तखत कीजिए। आई से साइन देम, दिस इज माई ऑर्डर। ठीक है सर, मेरा जमीर तो नहीं मानता, लेकिन आप मंत्री हैं, आपके हुक्म पर मैं ऑर्डर्स पर साइन कर देता हूं। पापट, आखिर तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए, इन बेगुनाहों को तुमने आतंकवादी बना ही दिया। सर, खान करके एक इंस्पेक्टर था मेरा दोस्त, शेर बोलता था, जीना अगर जो चाहो तो दूर हमसे रहना, तुम मोम से बने हो, हम आग से बने हैं। क्या? हाँ किरण, अजीत सिंह और जय सिंह को देखते ही गोली मार देने के ये ऑर्डर्स अभी अभी हेडक्वार्टर से आए हैं। रुक जाओ, चलाओ गोली, रुक क्यों गए? आज नफरत ने दोस्त और दुश्मन का फर्क भी मिटा दिया। जानते हो तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुम्हें कहां ले जाएगा? जो आग पे चलते हैं वो जानते हैं कि आग उन्हें जला देती है। इसीलिए कहती हूँ लौट आओ, बचा लो अपने आप को। अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकते, खुद भी जल जाओगे। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, विश्वास रखो कानून पर। भगत सिंह कानून का नहीं, मेरा भाई था। और किस कानून की बात करने आए हो तुम? वो कानून जिसने एक देशभक्त फौजी को आतंकवादी बना दिया, जिसने मेरे हाथ में ये हथियार दे दिए। मैं जानता हूं भगत भैया कभी वापस नहीं आ सकते, हम तो इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारे बाद इस शहर में किसी का जवान भाई न मरे, कोई बहन अपने भाई से जुदा ना हो, किसी मां की कोख न उजड़े। आतंकवादी घोषित कर दिए गए फौजी और उसका भाई, देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया है। छोटे, अब हमारे दिस इज द कंबाइंड डेट ऑफ एक्साइज एंड इनकम टैक्स। व्हाट? मैं इनकम टैक्स कमिश्नर से बात करूंगा। नो मिस्टर गावड़ा, आपके सारे टेलीफोन्स रेट कंप्लीट होने तक आउट ऑफ ऑर्डर रहेंगे। शायद तुम इस शहर के रहने वाले नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते। जानता हूं, वैसे मेरा नाम एस के माथुर है, आपने शायद नहीं सुना होगा। वैसे हर 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफर किसी नई जगह पर हो जाता है, क्योंकि मैं किसी की धमकी नहीं सुनता। और अगर आपने मुझे शराफत से मेरा काम नहीं करने दिया तो नीचे पुलिस खड़ी है, और वो पुलिस इस शहर की नहीं है। सो लेट मी डू माई जॉब, कम ऑन बॉयज। यस सर। मिस्टर गावड़ा, आधे घंटे के अंदर तुम्हारे टेलीफोन्स काम करने लगेंगे, कल सुबह 10 बजे अपने अकाउंटेंट को लेकर मेरे ऑफिस में आ जाना। भौजी, उम्मीद नहीं था मुझे कि काम इतना आसानी से हो जाएगा, लगता गावड़ा एकदम घबरा गया था, तुम लोगों को सचमुच का इनकम टैक्स ऑफिसर समझ बैठा। ना, नेक्स्ट टाइम कोई फिर नाटक करने का होगा तुला सांग तो। ये क्या? ये तो प्रजास्वामी के कार्य अकाउंट्स की फाइल है। स्विस बैंक अकाउंट, बेनामी जायदाद, हवाला अकाउंट्स, ये सब तुम्हारे पास? अजीत सिंह, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना सीखो,
गौड़ा जैसे शैतान का साथ छोड़ दो। ठीक है अजीत सिंह, लेकिन वो ओरिजिनल फाइल्स मुझे वापस कर दो। फाइल मैं दूंगा लेकिन ओरिजिनल नहीं, क्योंकि ओरिजिनल फाइल मेरे हाथ में एक ऐसा हथियार है जो आपके और माफिया के तालमेल को तोड़कर रख देगा। आज के बाद अगर मेरे खिलाफ आपने माफिया का साथ दिया तो ये ओरिजिनल फाइल मैं प्रेस में दे दूंगा, नंगा कर दूंगा आपको। आज के बाद आप ना गौड़ा से मिलेंगे ना पापेट से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या काम है सर? इस उम्र में आपको कितना काम करना पड़ता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता सर। कम टू द पॉइंट बापट, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूं। जानता हूं सर, इसलिए ऑर्डर लेकर खुद चला आया। ये आपका ट्रांसफर ऑर्डर विथ इमीडिएट इफेक्ट और मेरा कमिश्नर की पोस्ट पर प्रमोशन विथ इमीडिएट इफेक्ट। बापट, मुझे मेरे ट्रांसफर होने का इतना दुख नहीं है जितना गम तुम्हारे कमिश्नर बनने का है। तो सड़क पर जाकर छाती पीटने का, कमिश्नर बापट हाय हाय, कमिश्नर बापट हाय हाय। चलो उठो, कुर्सी खाली करो। कब से सपना देख रहा था इस कुर्सी पर बैठने का। पवार साहब, खान करके एक इंस्पेक्टर था मेरा दोस्त, शेर बोलता था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर। यस सर, होम मिनिस्ट्री का अर्जेंट मैसेज है। ए, इधर लाओ, अब मैं कमिश्नर हूं। सॉरी सर, ये पवार साहब के नाम है। बापट, प्रजा स्वामी जी के ऑर्डर हैं जिसमें मेरा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल और तुम पुलिस फोर्स से डिसमिस विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्या? हां बापट, गेट अप, गेट अप। अब अपने कंधों से ये सितारे उतार दो। ये सितारे तुम्हारे कंधों पर तवाइफ की मांग में सिंदूर की तरह लगते हैं। Now remove your belt and stars immediately. याद है बापट, एक दिन इसी जगह तुमने कानून को रखेल कहा था। दरअसल कानून नहीं बल्कि तुम गुंडों की रखेल बन गए थे। लेकिन तुम एक बात भूल गए कि जब रखेल बूढ़ी हो जाती है तो उसे लात मारकर निकाल दिया जाता है, और लात कहां मारी जाती है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। नाउ यू गेट आउट। सुनो बाबट, मेरा तो कोई खान नाम का दोस्त नहीं है, लेकिन जाते जाते मेरा भी एक आखिरी शेर सुनते जाओ। औकात क्या है तुम जैसे तिनके की, आंधी तूफान के भी रुख मोड़ दिए जाते हैं, जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है कि वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। आउट। ए, क्या करता है, गाड़ी छोड़। क्या बकता है बे? चल घर चल। ओए, तमीज से बात करने का, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। जानता है तू किससे बात कर रहा है? डीसीपी बापट से। इज्जत आदमी का नहीं कुर्सी का होता है। तुम अभी डिसमिस है ना, ऑटो पकड़ने का, घर जाने का, और अगर ऑटो के पैसे नहीं है ना तो पैदल जाने का। लेफ्ट राइट चाल। टैक्सी। साथी, ना तो ये तेरी हवालात है और ना आज अजीत सिंह के हाथ बंधे हैं।
थप्पड़ मारने का बहुत शौक था ना तुझे। इंस्पेक्टर रुक जाओ, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। एरिया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ, ये एरिया मेरा नहीं है। लेकिन तुम पुलिस वाले तो हो ना? पुलिस वाला तो हूँ, पर इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं डीसीपी बापट, मैं डीसीपी था। डीसीपी था ना, है तो नहीं, चल हट। बड़ा आया डीसीपी। इतना बेबस है तू आज बापट, गली के कुत्ते की तरह भाग रहा है। ये पुलिस वाले की मदद नहीं करते, आम जनता की क्या हिफाजत करेंगे? इस बात का पहले कभी एहसास हुआ था? नहीं हुआ था आराम सादे, नहीं हुआ था। कमिश्नर का ट्रांसफर रुक गया, बापट पहले डिसमिस हुआ फिर मारा गया। जानता हूँ, फिर भी सो रहा है प्रजास्वामी। मैं मजबूर हो गया हूँ, अजीत सिंह के हाथ मेरे खिलाफ कुछ सबूत लग गए जिससे मैं बर्बाद हो सकता हूँ। अगर उसने वो फाइलें सरकार को दे दी तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इसका मतलब तू हिजड़े के हाथ में तलवार की तरह है, जो चमक तो सकती है चल नहीं सकती। देख गावड़ा, अजीत सिंह को फाइलें तेरे यहां से मिली है, अगर उसे तू फाइलें वापस ला सकता है तो मैं तेरे साथ हूं, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रजास्वामी भी पीठ देखा गया, कहता है उसे फाइलें वापस चाहिए। भैया आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड में खबर फैला देते हैं। अनीफ लफड़ा, अंडरवर्ल्ड का खबर सुना? गावड़ा को जो भी फौजी का पता बताएगा उसे वो 10 लाख रुपए का इनाम देगा। हेलो गावड़ा साहब, एलजी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ फौजी कहाँ है। कहाँ से बोल रहे हो? दहिसर ब्रिज के पास से। धोखे का मतलब जानते हो? मौत। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें फौजी तक पहुंचा दूंगा। तुम वही रुको, मैं आता हूँ। तूने उस दिन फौजी के साथ हमारा एमिनेशन सेंटर तबाह किया था ना? हाँ, मैं फौजी का साथी हूँ, पर इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। फौजी को मेरा नाम पता नहीं चलना चाहिए। पैसे लाए हो? हाँ, मगर पैसे फौजी के मिलने के बाद दूंगा। चलो मेरे साथ, इस वक्त फौजी अकेला है। चलो बैठो। छोटे को क्यों जाने दिया? तुझे नहीं मालूम लड़की वाले शकुन लाने वाले? हराम साथे, तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सी बहादुरी है? चार चार आदमी एक अकेले पर वार करेंगे? चार चार मिलकर वार करते हैं माफिया के लोग,
हम नहीं करते। इनमें से कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। आज मैदान में तू होगा और फौजी अजीत सिंह। देवर जी आते ही होंगे, आप लोग जब तक चाय पीजिए। बस बेटा आते होंगे। भैया छोटे 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 क्या हुआ छोटे 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 भैया फौजी नहीं, नहीं कोई बाहर नहीं जाएगा, खासकर अजीत सिंह और जय बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो ना आप, हमारी शादी है, अजीत भैया जय और आप लोग नहीं आएंगे तो शादी का खाक होगी। तेरे को यही टाइम मिला था शादी रचाने का, उधर सड़कों पर मौत नाच रही है, तुझे बाराती नचाने का है। गावड़ा पागल कुत्ते की तरह इन दोनों को ढूंढ रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर देता हूँ। कब है शादी? कल। घर जाकर शादी की तैयारी करो, हम सब आएंगे। ये सेठी, आज तो तुम्हारी शादी है, अरे चला भंग के रंग का मजा ले ली है सब साथी के संग। किधर लेके जाने को बोला तू उसको? मालूम नहीं उसका शादी है आज। कहो अन्ना, इका हल्दी उबटन नहीं लगा रहा ना, इन्हें हल्दी उबटन लगावे के कहत रहा जोन जेवाई को। इसका जो कलर है ना, एकदम गारंटी का है, लॉन्ड्री में भी धुलाएगा ना तो ऐसा ही रहेगा, हाँ गोरा नहीं होना। अन्ना भाई नमस्ते। नमस्ते, तुम इधर कैसे? मैं आपसे एक विनती करने आया था, हम गरीब लोग हैं, बाराती अगर ज्यादा हो गए और खाने पीने के इंतजाम में कुछ कमी रह गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम जाओ, बारात के साथ सिर्फ 10 आदमी आएगा बहू को लाने के लिए। ठीक है। काय साला धर्मेश? ये साहब इनका फोटो इधर। तुम जानता था उसको? हाँ ना भाई, बहुत बहादुर ऑफिसर था, बेचारा धोखे में मारा गया, उसने प्रजास्वामी पर भरोसा किया और अपनी जान गंवा बैठा। क्या बोलता है तू? आंखों देखी बात है ना, उस समय मैं ही प्रजास्वामी की ड्यूटी पर था,
प्रजा स्वामी ने ही गावड़ा के हवाले किया था इंसाफ को। अगर ये प्रजा स्वामी पर भरोसा नहीं करता ना तो आज बेचारा जिंदा होता। अच्छा अन्ना अब मैं चलता हूं। कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं आप? अजीत सिंह अब भी आजाद घूम रहा है। मंत्री जी आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, अजीत सिंह यहां नहीं आ सकता। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। मार दोगे कब तक कहते रहोगे? इतनी मुश्किल से आतंकवादी हाथ आया है, मार दो इसे। चलाओ गोली, कर लो कमिश्नर का हुक्म पूरा, क्योंकि फर्ज तो तुम अपना भूल चुके हो। ये वर्दी पहनते वक्त शपथ दिलाई गई थी ना आप लोगों को, क्या आप जनता की हिफाजत करेंगे, जनता को इंसाफ दिलाएंगे? कहां इंसाफ मिल रहा है, किसकी हिफाजत कर रहे हैं ऐसे भ्रष्ट नेता की, जो भगत सिंह जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर का कातिल है? लगता है पुलिस वाले इन भ्रष्ट नेताओं के बॉडीगार्ड बन गए और गौड़ा जैसे गुंडों के गुलाम। कमिश्नर साहब, ये फौजी आपसे वादा करता है कि गौड़ा को सजा देने के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। अगर आपका जमीर ये कहता है कि गौड़ा जैसे गुनाहगारों को सजा देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म करने जा रहा हूं। आपका जमीर मर गया है तो रोक लो मुझे, गिरफ्तार कर लो इस कातिल को। अगर तुमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है कमिश्नर साहब, अजीत सिंह सच कह रहा है, आज का कानून चंद बेमान नेताओं का गुलाम बनकर रह गया है। ऐसे खोखले कानून का साथ देने से बेहतर है कि हम अजीत सिंह का साथ दें, जिसमें इंसाफ करने की हिम्मत है। ये वो काम करने जा रहा है जो हम पुलिस वालों को करना चाहिए। आई एम सॉरी सर, आई रिजाइन फ्रॉम पुलिस फोर्स। सर मैं भी रिजाइन करता हूं, मैं भी करता हूं, मैं भी। भाई अन्ना का आदमी गोपाल शादी मना रहा है। जम्बू फल चारू भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकार कम नमा विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
तू हमें न्योता देना भूल गया? वो क्या था, सब कुछ जल्दी में हो गया। फौजी कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। कोई पंडाल से बाहर नहीं जाएगा। नहीं, मैंने भी अपने भाई के लिए ऐसे ही सपने देखे थे। धूमधाम से शादी कराऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा उसे, लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर जान से मार दिया उसे, तोड़ दिया मेरे सारे सपनों को। अब इस शहर में कोई शादी नहीं होगी, किसी भी दुल्हन की डोली नहीं उठेगी। आज के बाद सिर्फ अर्थियां उठेंगी। शेट्टी, तेरी शादी तो इतिहास में लिखी जाएगी। तू पहला दूल्हा होगा जो मरने से पहले अपनी बीवी को विधवा होते देखेगा। ए, इसकी बीवी को ले आओ। प्यार से, बहू है हमारी। संगीत क्यों बंद किया? ए, बजाओ। जी के साथ मिलकर इस गावड़ा से जंग लड़ने की हिम्मत कर बैठा। किसको धमकी दिया तू? परा बन्ना को धमकी दिया? तेरे सामने मर्द मराठा खड़ा है, देवा शपथ, पीठ नहीं दिखाएगा, सीने पे गोली लेगा। डरता नहीं है परा बन्ना तेरे से? ये मराठा तेरे को मारेगा, फिर मरेगा। तू मेरे हाथों से ही मरेगा, लेकिन मुझे फौजी का इंतजार है और वो तुझे बचाने के लिए जरूर यहां पे आएगा। तूने गावड़ा से बदतमीजी की है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। लंगड़े, बैसाखी तोड़ गई, अगर बचा सकता है तो बचा ले अपनी दूसरी टांग। Thank you.
माफिया के कुत्ते, तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन तेरा सामना किसी फौजी अजीत सिंह से होगा। ले अंडा, निकाल ले अपनी भड़ास।